कैपिटल सिनेमा। कैपिटल सिनेमा मुंबई के सबसे पुराने थिएटरों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक सामने स्थित, इसे कुंवरजी पत्तीवाला ने बनवाया था। यह 1879 में निर्मित एक विरासत ग्रेड दो विक्टोरियन संरचना है। मूल रूप से प्रदर्शन कला के लिए एक थिएटर जिसे तिवोली के नाम से जाना जाता है। इसे इसका वर्तमान नाम 1928 में मिला जब इसे एक मूवी थिएटर में बदल दिया गया। तो इंपीरियल सिनेमा लेमिंगटन रोड पर व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित इंपीरियल सिनेमा ने ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। यह 1905 में शुरू हुआ और 70 और 80 के दशक में मुंबई के प्रमुख थिएटरों में से एक बन गया। कुछ शीर्ष व्यावसायिक फिल्में यहां रिलीज हुई और यह बहुत लोकप्रियता हासिल करने में सफल रही। 3. रीगल सिनेमा। सिनेमा बूम की अवधि ने मुंबई में सबसे प्रतिष्ठित आर्ट डेको पुराने थिएटरों में से एक द रीगल सिनेमा को भी जन्म दिया। फ्रामजी सिद्धवा थिएटर के मालिक हैं। यह 1933 में खोला गया था और इसे चार्ल्स स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। चार्ल्स विक्टोरिया टर्मिनस अब CST के मुख्य वास्तुकार FW स्टीवंस के पुत्र थे। इस थिएटर ने कई अलग अलग तरीकों से थिएटर उद्योग में क्रांति ला दी। 4. नाज सिनेमा। मुंबई के प्रतिष्ठित पुराने थिएटरों में से एक नाज सिनेमा इंपीरियल सिनेमा के ठीक बगल में लेमिंगटन रोड पर स्थित है। RP आनंद ने 50 के दशक की शुरुआत में इस विशाल संपत्ति को खरीदा और इसे एक थिएटर में बदल दिया। मूवी हॉल के अंदरूनी हिस्सों में शीर्ष फिल्म निर्माण कंपनियों के बैनर लोगों की मूर्तियां हैं। कई हस्तियों का मानना कि नाज में उनकी फिल्में रिलीज करना भाग्यशाली था। हैरानी की बात यह है कि यहां रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में अपने दौर की मेगा हिट फिल्में बन गईं। 5. इरोज सिनेमा। इरोज सिनेमा मुंबई के महत्वपूर्ण पुराने थिएटरों में से एक है। दक्षिण बॉम्बे में चर्चगेट स्टेशन के ठीक बाहर स्थित इरोज सिनेमा 1938 में बनाया गया था। SC कंबाटा ट्रस्ट इमारत का मालिक है जबकि इरोज ट्रस्ट सिनेमा संचालित करता है। रीगल सिनेमा की तरह इसे भी उस दौर में बनाया गया था जब भारत में सिनेमा फल फूल रहा था। 6. रॉयल टॉकीज। मुंबई के पुराने थिएटरों में रॉयल टॉकीज है जो निशान टॉकीज के ठीक विपरीत है। थिएटर मुख्य रूप से लघु नाटकों और वृत्तचित्रों के लिए 1911 में खोला गया था। अन्य बड़ी टॉकीज के विपरीत रॉयल टॉकीज में दर्शकों की क्षमता कम है। हालांकि 1930 के दशक में अधिक व्यावसायिक फिल्मों के साथ थिएटर ने बेहतर व्यवसाय के लिए कुछ बड़े बैनर की फिल्में लगाने का फैसला किया। 7. मोती टॉकीज। यदि आप कुछ भी ग्रेट क्षेत्रीय फिल्मों की तलाश कर रहे हैं तो संभावना है कि आपको यह मोती टॉकीज में मिल जाएगी। 1930 के दशक की सिनेमा क्रांति से जन्मी मोती टॉकीज ने हमेशा कम बजट वाले दर्शकों की सेवा की है। आज भी यह थिएटर जनता को सस्ती टिकट कीमत पर मनोरंजन प्रदान करने पर केंद्रित है। 8. अल्फ्रेड टॉकीज। मुंबई में कई पुराने थिएटर 1930 के दशक के दौरान शुरू हुए लेकिन कुछ को परिवर्तित कर दिया गया। अल्फ्रेड थिएटर शहर के सबसे पुराने मूवी हॉल में से एक है। 1880 में निर्मित इस इमारत का नाम रिपन थिएटर था और इसका उपयोग ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन के लिए किया गया था। हालांकि 1930 के दशक में सिनेमा क्रांति होने के साथ प्रबंधन ने इसका नाम बदलने का फैसला किया। 1932 में रिपन थिएटर का नाम बदलकर अल्फ्रेड टॉकीज कर दिया गया। 9. न्यू रोशन टॉकीज। अल्फ्रेड टॉकीज के ठीक बगल में न्यू रोशन टॉकीज है जो 1930 के दशक से यहां मौजूद है। एक पारसी परिवार ने इसे बनवाया था। इस थिएटर में सामने के प्रवेश द्वार पर चीन मोज़ेक टाइलें हैं। थिएटर अब खराब स्थिति में है और कई फिल्में नहीं दिखाता है। 10. गुलशन थिएटर। अल्फ्रेड और न्यू रोशन टॉकीज एक दूसरे के ठीक बगल में हैं और गुलशन थिएटर न्यू रोशन टॉकीज के ठीक सामने है। मूल रूप से वे मानचित्र पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इन तीनों में से गुलशन थिएटर कुछ भी ग्रेट फिल्मों को सस्ते दामों पर पेश करके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 11. निशान टॉकीज। 1952 में एक प्ले हाउस के रूप में शुरू किया गया था। निशान टॉकीज मुंबई के पुराने थिएटरों में से एक है जो अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष निर्देशक पहलाज निहलानी की पत्नी नीता निहलानी इस थिएटर की मालिक हैं। 12. मराठा मंदिर। इस पौराणिक स्थान का उल्लेख किए बिना मुंबई के पुराने थिएटरों की सूची अधूरी होगी। नई पीढ़ी के लिए यह वह जगह है जहां पिछले 24 सालों से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे खेल रहे हैं। शहंशाह और खुदा गवाह जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में यहां रिलीज हुई हैं। मराठा मंदिर 1958 में अपनी पहली फिल्म साधना के प्रीमियर के साथ खुला। 2 साल बाद इसने मैग्नम ओपस मुगल-ए-आज़म का प्रीमियर किया जो 6 वर्षों तक चला।